वो बोटिंग हो रही है। हम पहुंच चुके हैं गंगा नदी के किनारे और ये है गंगा नदी। पटना में है परी। कहाँ पहुंची? बोटिंग हो रही है। अरे वाह, क्या रहता है गंगा नदी में। ये सानू, मजा आया सानू को? बोटिंग हो रही है। रेत का महल बना रहा है। यहाँ रेत का महल नहीं बनता, ये वाला अच्छा नहीं आएगा। इतना चिकना रेत है एकदम, बालू। यहाँ पर जा रहे हैं परी और सानू। यहाँ पे बहुत सारे पंडित भी बैठे हुए हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं। सब नहा धो रहे हैं। वो उधर है, उधर जाने का रास्ता नहीं हो गया। इतनी दूर से देखेंगे, इतनी दूर से देखेंगे। पूजा पाठ वाले हैं सब। बोटिंग हो रही है वहाँ। कहाँ है शेखर भैया लोग? वो खड़े हैं। डुबकी लगा रहे हैं सब गंगा जी में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं पटना के गंगा नदी के किनारे पटना शहर में। और यहां पर ऐसा नज़ारा है, यहां पर बहुत सारी बोटिंग भी हो रही है। बोट भी है वहां पर, बहुत सारी बोट चल रही है और आप बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ भी कराया जाता है। बहुत सारे पंडित जी हैं बैठे हुए यहाँ पर, मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर गंगा नदी में आप जाकर उसका पानी भी ले सकते हैं, पानी वगैरह ले जा सकते हैं, गंगा जल ले जा सकते हैं घर। और यहाँ पर गंगा नदी में डुबकी लगाना है अगर आपको, तो गंगा नदी में डुबकी भी लगा सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही विशाल जो नदी है, बहुत ही बड़ी है। और इतनी बड़ी है कि मतलब समुद्र जैसा ही दिख रहा है पूरा, इस पार से उस पार दिखाई नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी नदी है, बहुत ही ज़्यादा विशाल नदी है गंगा नदी। और यहाँ का पानी जैसा कि बोला जाता है साफ़ है, तो थोड़ा बहुत ही साफ तो दिख ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो विसर्जन कर रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी बहुत गंदगी भी दिख रही है नदी पर। और यहाँ पर दूर में बोटिंग भी दिख रहा है, मतलब ऐसा तो दिख रहा है जैसे कि समुद्र है पूरा, उस पार दिख नहीं रहा है, उसका दूसरा पार नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर बोटिंग भी हो रही है और ये ऊपर में ब्रिज बना हुआ है। तो हम जा रहे हैं वापस सानू और परी के पास। वापस चल दिए क्या लोग सब? ले लिए गंगा जी का पानी।